नमस्ते दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं ये पूरी देश ये दुनिया एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। लोगों को कोरोना वायरस का भय है, इसके अराउंड बहुत सारा पैनिक है और पैनिक होना भी चाहिए। ऐसे समय में ओवर रिएक्टिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सारी दुनिया, देश, हमारा देश खास करके 21 दिन के लॉकडाउन में है और मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी की पूरी कोशिश करें। साथ ही मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल करें, मास्क टेस्टिंग करें, कम से कम सही सही आंकड़ों में पता तो लगाए कि हमारा देश किस स्थिति में है, हम सही से एसेस तो कर पाए कि हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं सभी दोस्तों से दरख्वास्त करती हूँ, सारे व्यूअर्स से दरख्वास्त करती हूँ कि वो कुछ भी करें लेकिन अपने घर से बाहर ना निकले। इस समय में मैं लेकिन थोड़ी सी प्रिविलेज्ड होने के कारण एक सही सी जगह में हूँ, तो मेरे लिए क्वारंटाइन पीरियड है। मतलब इट्स नॉट अ सिचुएशन इन विच आई एम सर्विंग एंड डाइंग, रैदर आई एम क्वारंटाइंड एंड आई हैव सेल्फ आइसोलेटेड माई सेल्फ एंड स्टफ। तो इस सब से रिलेटेड मैं क्या फील करती हूँ उस सेंसिटिविटी के बारे में तो मैं फिर कभी कोई कविता लिख दूँगी और वो आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। पर फिलहाल मैं इस समय में यहाँ पे पेंटिंग कर रही थी अपने घर की बालकनी में बैठ के, तो मेरे को लगा क्यों ना इस पेंटिंग को इस बार शूट किया जाए। वैसे तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पेंटिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ, तो अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो जा करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और देखें कि मैं क्या पेंट करती रहती हूँ पोएम्स के अलावा भी। मैं इंस्टाग्राम को यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी, मैं हर बार करना भूल जाती हूँ। और इस बार ही मैंने सोचा कि क्योंकि आप भी घर पे हो, मैं भी घर पे हूँ, तो चलो इकट्ठे बैठकर पेंट करते हैं। अभी जो मैं शूट करने जा रही हूँ वो इसी घर की एक तस्वीर है। यहाँ पे एक स्कूटी पार्क, स्कूटर चेतक वाली पार्क हुई हुई थी, वो मुझे काफ़ी सुंदर सी लग रही थी, तो मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली। मुझे लगा उसी की पेंटिंग क्यों ना बनाई जाए। मैं दिखाती हूँ कहाँ पे पार्क थी, अगर दिख पाएगी। ये उधर वहाँ कपड़ों के पीछे एक बालकन, मतलब उस घर के आगे बीच में पार्क थी। मैं उसकी वो जो एक्चुअल में तस्वीर है उसको मैं यहाँ पे कहीं डाल दूँगी दिखाने के लिए कि वो पार्क कहाँ पे थी। वहाँ पीछे पार्क थी वो, और इसकी मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी और मैं अभी उसी को पेंट करने जा रही हूँ। आई एम सॉरी, पूरी पेंटिंग के दौरान मेरे बाल पीछे से एकदम चिड़िया के घोंसले की तरह दिखने वाले हैं। ये उस समय मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं कुछ, वैसे मैं इनका ज़्यादा कुछ कर सकती नहीं थी। अगर मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल भी देती तो कुछ एक हाई पोनी जैसा करके बैठ जाती, बट मुझे लगा छोड़ो इस बारी पेंटिंग में ध्यान देते, खुद के ऊपर एफर्ट नहीं डालते। पोस्ट प्रोडक्शन में मुझे लग रहा था कि बापरे भगवान, मतलब प्लीज़ पेंटिंग देखना, पीछे से मेरा सर मत देखना, वो बहुत ज़्यादा चिड़िया का घोंसला हो रखा है। क्या काम कर रहे हो नानू? मैं वो लाना नीचे हट से। क्या लाना है? टांडा। टांडा टांडा क्या होता है? वो जो रखा थे, देख सामने टांडा। बताओ ना क्या होता है टांडा? मुझे कार दिया जो हट के पास घास है उसको बोलते हैं। हाँ जी, वो थलियां दे नहीं और थेड़ दे बाहर टांडा। मैं इस टाइम पे अपने हिमाचल वाले घर पे आई हुई हूँ और टांडा यहाँ पे कह रहे मेरे नानू जो वो लेने जा रहे हैं, और टांडे का मतलब होता है जो मक्की का घास होता है वो लेने जा रहे थे हट के पास भैंस को डालने के लिए। बीच बीच में मेरी बहुत गंदी हिमाचली आती रहेगी, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। स्काई को पेंट करना आई डोंट नो वाई बहुत वियर्डली सैटिस्फाइंग है। उसके कलर मिक्सिंग करना मुझे लग रहा था, कलर मिक्सिंग का भी मैं एक वीडियो फुटेज डालूं, बट वो मैं कर नहीं पाई। पर इसमें बहुत अजीब टाइप के मज़े आते हैं। यहाँ पे भी बहुत वियर्ड तरीके से वाइट है, मैं बोलूँगी ये बादल है।
हाँ, मेरी इस टिप से ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि मैं कितनी प्रोफेशनल पेंटर हूँ। मैं पेंटिंग के मामले में काफी अमेच्योरिश हूँ। आधे टाइम तो मैं उंगलियों से पेंट करती बैठती हूँ। ये आउट ऑफ फोकस है। रिकी रिकी रिकी, एक मिनट आएगा, देखेगा पेंटिंग आउट ऑफ फोकस है क्या, कि मैं फोकस में, पेंटिंग नहीं है। कैमरा की ऑपरेट हो रहा है, बिना वीडियो को बंद किए देखना। फोकस अच्छी पेंटिंग नहीं, फोकस अच्छा पेंटिंग नहीं है, फोकस कर ढंग से दोनों को, फोकस में, वीडियो बंद मत करना, इधर से होता है, वहां वहां के कर बस। तू आए कर्फ्यू में अटिया ना, करना खुद से अटिया। और रिक्की ने फिर थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद उसको ठीक से फोकस में कर दिया। मतलब दी ओनली डिफ़िकल्टी है कि मैं अपने सिर थोड़ा पीछे रख के ड्रॉ कर लूँ, पर नहीं, मुझे तो पेंटिंग से ज़्यादा अपने सर का घोंसला दिखाना है। इस पॉइंट पे आई स्टार्टेड मेकिंग द स्कूटर, वो चेतक वाला व्लो बन भी गया। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मतलब जब सिर्फ ये स्कूटर बना था और मैंने पीछे के पेड़ और नीचे फर्श ये सब नहीं बनाया था, तो इट वाज पॉपिंग आउट एंड इट वाज लुकिंग सो रियल। मतलब आई रियली लाइक्ड व्हाट आई डिड विद द स्कूटर। जस्ट सी हाउ मच आई एम स्ट्रगलिंग विद द फिनिशिंग टचेस ऑफ द स्कूटर। मतलब आई कुड हैव कट दिस होल फुटेज जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, बट आई वॉन्टेड टू शो कि मैंने किसी चीज़ पे कितनी ज़्यादा देर लगाई थी। मतलब अभी तो ये कुछ ऐसे 16% फास्ट फॉरवर्ड में है, बट अदरवाइज लाइक एट 2-1 घंटा तो मैंने बस स्कूटर को ही रंगा है। स्कूटर जैसा लग रहा है कि है? कैसा स्कूटर लग रहा है? चेतक का स्कूटर लग रहा है क्या? खराब ना आई थी। बस और यहाँ पर ये पेंटिंग हमने पीक में थी, जब अच्छे से स्कूटर बन गया था वो पूरी पेंटिंग में पॉप आउट करा था। मैं बस थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा फर्श बना के रहने दे सकती थी, बट नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ तो फिर वो अपने पीक पे जाती है, जहाँ से मैं स्लोप को फिर नीचे लेके जाती हूँ, फिर मैं बिगाड़ करना चालू करती हूँ। और यहाँ पर मैंने बिगाड़ की शुरुआत कर दी है। Not that I need to tell this to you, मतलब ये तो साफ साफ पता चल ही रहा होगा, बट फिर भी आई एम नॉट ट्रेंड इन पेंटिंग और समथिंग, आई नेवर इवन वेंट टू एनी ड्राॅइंग क्लास। बट मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा नहीं होता जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो यू पिक अप हॉबीज ऑफ योर कजन्स। तो ऐसी मेरी कजन है स्नेहा, शी हैड अ नैक ऑफ पेंटिंग सिंस चाइल्डहुड, शी इज़ इवन इन अ डिज़ाइन स्कूल राइट नाउ। और उसको देख देख करके, उससे सीख के मैं थोड़ा बहुत पेंट कर लेती हूँ। ये भैंस कितने ज्यादा घूम गया, ये देख रही है कि स्कूटर मेरे ऊपर ना गिर जाएगी है। अच्छा, ये रोड बनानी थी ना, है? रोड तो नहीं, फर्श ही है। फर्श ही है और इसकी शैडो आएगी फिर ना। वहाँ पे नानू ने इसे रोड बोल दिया, तो फिर मैंने चालू करा इसको फर्श की लुक देने की कोशिश, जहाँ पे मैं सीमेंट के ब्लॉक्स जैसे कुछ बनाने का
असफल प्रयास जैसा करती हुई नजर आ रही हो। आप लोगों की बॉल इधर तो नहीं आएगी? बॉल इधर आएगी फिर कैमरा गिर जाएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा चाबी लगाना बाकी है फिर चल पड़ेगा नहीं तो चाबी लग जाएगी चल पड़ेगा इधर आ गई बॉल। ओ चली गई थल्ले कैमरे में लग जाती है अभी लग ही अंदर तो कुटी अंदर तो भी तेरी पिक्चर टिटी होगी नहीं ठीक है खरी। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रही हूँ इतनी देर तक फर्श पे। पता नहीं ये क्या मैं धूल बना रही हूँ फर्श पे कर क्या रही हूँ मैं इतनी देर से दिख कुछ रहा है नहीं। ओह मैं वाइट वाइट धूल ही बना रही हूँ शायद। वाह मतलब क्या दिख रहा है ये अभी इस पॉइंट पे मुझे इस पेंटिंग से प्यार हो रखा है। इसमें स्कूटर बाहर ऐसे दिखाई दे रहा है मतलब इट्स विजिबल वो दिख रहा है कि स्कूटर वो किसी चीज़ से ढक नहीं गया है पेंटिंग में। और मतलब इस पॉइंट पे ये पेंटिंग मेरी फेवरेट है पर अब जो मैं पेड़ को रंगने वाली हूँ ना इट्स गोना हाइड माय प्रिटी चेतक अवे। मतलब आई विश इफ आई कुड स्टॉप माय सेल्फ फ्रॉम पेंटिंग दैट ट्री बट आई एम डूइंग इट। सी द प्रॉब्लम विद मी पेंटिंग अ ट्री इज कि आई डोंट नो हाउ टू पेंट इट। मतलब मुझे पेड़ पेंट करने का मतलब ऐसा लगता है कि मैं बस ब्रश में ग्रीन कलर लूँगी और उसको पचक पचक करके लगा दूँगी और वो पत्तियाँ हो जाएंगी। मुझे नहीं समझ में आता कि पत्ती कैसे बनेगी। मैं ऐसी जैसे क्लाउड्स बना रहे होते उस टाइप से तो मैं पेड़ बना रही हूँ। मेरे ख्याल से क्लाउड्स भी वैसे नहीं बनाने चाहिए पर पेड़ को तो मैं वैसे ही बना रही होती हूँ ग्रीन कलर को लेके पचक पचक कर दो। और यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है पता है कि जो मेरा स्कूटर है वो इतने डार्क कलर के पेड़ों से ढक गया है। मतलब वो ऐसे बाहर आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा जैसे वो पहले दे रहा था। प्रॉबेबली अगर मैं थोड़ा लाइट कलर के पेड़ बनाती हूँ मतलब जैसे कि बैकग्राउंड में एक्चुअली में है येलो कलर के येलो ग्रीन पैरेट ग्रीनिश कलर के मेहंदी कलर के बनाती तो स्कूटर विजिबल रहता। बट पता नहीं है मुझे क्या डार्क ब्लैक ग्रीन कलर का पेड़ बनाना था जिसकी वजह से मैं मतलब दिस स्कूटर इज़ नॉट ब्लूमिंग आउट एनी मोर। वाह एंड नाउ आई हैव ब्रॉट अ लाइटर शेड नीचे में कलर करने के लिए लीव्स को बट इट्स ऑफ नो यूज सौम्या। नाउ अब तुम एक बारी किसी चीज़ को अंधेर नगरी पहुँचाने के बाद क्या उजाला करोगे वहाँ पे? अब लाइट ग्रीन कलर करके क्या फ़ायदा? एक आम करने एक लीची ये सूखा सेब दा पेड़ बनना कड़े ये सेबे दा। यू सॉ व्हाट हैपेंड देयर। मतलब जिस पेड़ को मैं पेड़ों की श्रेणी में ना रखूँ मेरे नानू एकदम आइडेंटिफाई करके बता रहे एक आम का पेड़ है एक लीची का पेड़ है और मैं भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये जो लेफ्ट वाला है वो आम का है राइट वाला जो लीची का है बीच पे जो सूखा वाला जाएगा वो सेब का है। और मुझे देखो गिर रही है यहाँ में मेरी पेंटिंग अगर मैंने इसको उठाया नहीं अभी तो गिर रही है। सो मैं सीधा कर ले हाँ अब ठीक है। तो मुझे तो प्रॉपर लेबलिंग करनी चाहिए वहाँ पे कि दिस इज़ ट्री दिस इज़ स्कूटर ताकि पता चले उस पेड़ को बनाने के बाद
पर नहीं, मैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही आम का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, जैसे कि पता भी चल रहा है कुछ। रिक्की, पेड़ के साथ कैसा लग रहा है देख? खरा? वो अभी वहां पे ये वाला पेड़ बनेगा सेब का। I'm still happy with it though, मतलब जो मैंने पिक्चर क्लिक करी थी उससे तो क्लोज ही है ना। ऑफकोर्स कि स्कूटर पहले जितना अच्छा लग रहा था अभी वो थोड़ा हिडन है पीछे के पेड़ की वजह से, बट इट्स फाइन, आप छाव में ही तो खड़ा करते हो ना गाड़ियों को वैसे भी। मतलब इट्स नॉट बैड बैड, इट्स जस्ट लाइक इट वॉज बेटर बिफोर। Although I would not say that it's not a beauty, ये कुछ ज़्यादा ही नखरेबाजी होगी ऐसे कहना कि ओहो ये तो पेंटिंग ख़राब ही होगी, है तो ये खूबसूरत ही, इट्स स्टिल लुकिंग नाइस, इट्स रियली लुकिंग नाइस। मतलब हालांकि वो पीछे के पेड़ थोड़े ओवर पावरिंग हो गए और जैसे चमकता धमकता सा स्कूटर दिख रहा था वो वैसे नहीं दिख रहा, बट पेंटिंग तो उसके बाद भी अच्छी है, प्यारी सी है, सो आई स्टिल लाइक इट एंड आई लव दिस ओवरऑल एक्सपीरियंस। मतलब इट वॉज वेरी प्लीजेंट, इट वॉज वेरी सैटिस्फाइंग, आई फेल्ट लाइक आई क्रिएटेड समथिंग आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ऑल्सो आई फेल्ट लाइक कि क्रिएटिंग समथिंग इज नॉट नेसेसरली सिनोनिमस टू हसलिंग, क्रिएटिंग कुड बी रियली पीसफुल, रियली थेरेप्यूटिक, यू डोंट नीड टू हसल 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 इन ऑर्डर टू क्रिएट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, यू कैन ऑल्सो बी वेरी मच एट पीस। अब मैं एकदम टेड टॉक्स विद सौम्या चालू हो चुकी हूँ इस पेंटिंग के दौरान, चल स्टॉप नाउ। बट भाई आप और ख़ुद को दिलासा कैसे दोगे ये करने के बाद? और यहाँ तक तो फिर ठीक है, आखिर में तो मैंने जो किया है ना, मतलब मैं अभी ख़ुद को दिलासे दे दूँ तो ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैंने जो किया है उसके बाद मैं दिलासे देने लायक भी नहीं बचूंगी, इतना ख़राब कर दिया फिनिशिंग टच देने के नाम पर अपनी पेंटिंग को मैंने लास्ट में। और ये मैं पता नहीं क्यों अपनी सस्ती जुगाड़ की कैनवस स्टैंड की प्रदर्शनी लगा रही हूँ इसे मोड़ मोड़ के, पीछे शायद नानी को दिखा रही होगी पेंटिंग कैसी बनी। और ये है वो, मतलब ये मैं क्या कर रही हूँ, ये वो फिनिशिंग टच है जिसकी मैं बात कर रही थी, जहाँ पे मुझे लगा कि ओहो ये तो बहुत डार्क मैंने बना दिया, तो चलो इसको येलो कर देती हूँ ऊपर ऊपर से। और ये जो मैंने ऊपर से येलो कलर की पॉथी कर दिया ना अपनी पेंटिंग के ऊपर, ये मैं क्यों कर रही हूँ? मतलब प्लीज़ समबडी स्टॉप मी, मतलब आई विश इफ आई कुड गो बैक एंड स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस, बट ये पेड़ों के ऊपर जो मैंने पीला पीला करके हाँ ऐसे बर्बाद करी थी मैंने पेंटिंग आखिर में। शिट, एंड हेयर इज द फाइनल प्रोडक्ट। हेयर आर फ्यू टेकअवेज फ्रॉम दिस पेंटिंग जो मैंने ली है, कि मान लो अगर आपकी पेंटिंग उतनी अच्छी ना भी बने तो जहाँ पे पेंट करो वो बैकग्राउंड बहुत एस्थेटिक रखो, क्या पता उसी की वजह से वो सुंदर सी लग जाए। खैर अगर आपको ये पेंटिंग एक अच्छी लगी हो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू मोर ऑफ दीज पेंटिंग व्लॉग वीडियोज़, प्लीज़ टेल मी, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट पेंटिंग व्लॉग एक्सपेरिमेंट एंड आई सो लव्ड 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 डूइंग इट, मतलब आई वुड लाइक टू डू इट मोर। आई होप यू लाइक्ड इट द सेम वे, इसलिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।